तो बड़ी खबर बैकुंठपुर से, पूर्व मंत्री की अफसर को धमकी। भैयालाल राजवाड़े ने दी है धमकी, धान नहीं लेंगे तो आग लगवा देंगे। धान खरीदी नहीं होने पर दी चेतावनी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बैकुंठपुर से, पूर्व मंत्री की अफसर को धमकी मिली है। भैयालाल राजवाड़े ने दी है धमकी, धान नहीं लेंगे तो आग लगवा देंगे। धान खरीदी नहीं होने पर यह चेतावनी दी है। एकदम बहुत हालत ठीक नहीं है, और किसान अगर ऐसी हालत रहेगा ना तो बड़ा बुरा हाल होगा। इसलिए आप लोग आइए और ऊपर खबर कीजिए, और हम यहीं पर चक्का जाम है लोगों का, पूरा गाड़ियां रोड में खड़ी है और जनता यहां पर है, किसान यहां पर खड़े हैं। सब आइए, सबको तहसीलदार को बोलिए, सबको हमारे यहां पर आइए, व्यवस्था कैसे करना है आप आके बताइए। टोकन भी कटेगा नहीं कटेगा तो हम जाएंगे नहीं, नहीं तो सब यहीं आग लगवा करके चले जाएंगे। तो आपका मशीन और टोकन फोकन सब काहे के लिए है? जनता के लिए है कि देखने के लिए है? नहीं नहीं, मतलब गजब हो गया यार ये, नया नया नियम। नहीं खरीदना है तो बोल लो, डायरेक्ट वोट टांग दो कि किसानों को हम धान नहीं खरीदेंगे। सीधी सी बात है, नहीं खरीदेंगे, नहीं लाएगा किसान। अब तो किसान ऐसा लग रहा है साला चोर हो गया, सत्यापन हो, काहे का सत्यापन, उसका रकबा काट दिए। नहीं नहीं, हमको उससे मतलब नहीं किए, एकदम बहुत हालत ठीक नहीं है, और किसान अगर ऐसी हालत रहेगा ना तो बड़ा बुरा हाल होगा। इसलिए आप लोग आइए और ऊपर खबर कीजिए, और हम यहीं पर चक्का जाम है लोगों का, पूरा गाड़ियां रोड में खड़ी है और जनता यहां पर है, किसान यहां पर खड़े हैं। सब आइए, सबको तहसीलदार को बोलिए, सबको हमारे यहां पर आइए, व्यवस्था कैसे करना है आप आके बताइए। टोकन भी कटेगा नहीं कटेगा तो हम जाएंगे नहीं, नहीं तो सब यहीं आग लगवा करके चले जाएंगे। तो आपका मशीन और टोकन फोकन सब काहे के लिए है? जनता के लिए है कि देखने के लिए है? नहीं नहीं, मतलब गजब हो गया यार ये, नया नया नियम। नहीं खरीदना है तो बोल लो, डायरेक्ट वोट टांग दो कि किसानों को हम धान नहीं खरीदेंगे। सीधी सी बात है, नहीं खरीदेंगे, नहीं लाएगा किसान। अब तो किसान ऐसा लग रहा है साला चोर हो गया, सत्यापन हो, काहे का सत्यापन उसका।